प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे इस SQL सीरीज़ के अंदर, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कुछ, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब, इंसर्ट, सेलेक्ट, ये सारी कमांड्स का यूज़ है जो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब का क्या मतलब है, खैर ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी इस लेक्चर के अंदर भी कर लेते हैं। तो चलिए ओपन करेंगे MySQL को। सो यस, आप पासवर्ड भरेंगे यहाँ पर, जो भी आपका पासवर्ड है, और हम लोग यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो साइज इंक्रीज, और साइज इसका 36 ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट्स अ साइज। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऑफकोर्स हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे डेटाबेस। तो यूज़ डेटाबेस, नाम तो भूल गए यार डेटाबेस का। अब शो डेटाबेसेस कि कौन सा डेटाबेस हमें, किस डेटाबेस पर काम करना है, तो हमें पता नहीं है, तो हम सारे डेटाबेस की लिस्ट ढूंढ लेते हैं। तो ये सारे के सारे डेटाबेसेस की लिस्ट है। तो हमारा लास्ट डेटाबेस था मॉडल स्कूल, है ना। तो चलिए हम फिर यूज़ करते हैं मॉडल स्कूल, ठीक है। तो दिस इज़ अवर डेटाबेस। तो इसके अंदर हमने टेबल कौन सी बनाई थी वो भी भूल गए, तो शो टेबल्स। आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगी कमांड्स, है ना। तो ठीक है, हमारी ये वाली कमांड है। अब मैं क्या करती हूँ, DESC डिस्क्राइब और क्लास फर्स्ट नाम की टेबल को। तो मेरी ये टेबल हो गई ऊपर इस तरीके से, पूरी की पूरी टेबल मुझे डिस्क्राइब हो रही है। इसके लिए हम ये वाले डिस्क्राइब कमांड का यूज़ भी कर सकते थे, क्लास फर्स्ट, राइट। तो दोनों से आपका आंसर विल बी सेम। तो इसमें देखिए पूरी आपकी टेबल डिस्क्राइब हो रही है कि भाई नेम एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम आपके पास में, जेंडर, ये सारे के सारे आपके पास एट्रीब्यूट है और उनके डेटा टाइप्स बता रखे हैं। और इधर आपने कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं किया है। कंस्ट्रेंट हम लोग एक दो लेक्चर के बाद में या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है जो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब हमने देख लिया, इन दोनों कमांड्स के थ्रू हमारे पास सेम आंसर आएगा, पूरी टेबल हमारे पास में डिस्क्राइब होकर के आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं कि कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर वैल्यू। यहाँ पर देखिए इंसर्ट डेटा इन ऑल दी कॉलम्स, कि कैसे हम लोग सारे कॉलम्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक साथ भी कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, और आप एक एक करके, एक एक रो करके भी कर सकते हैं। तो पहले सिंगल रो देख लेते हैं कि सिंगल रो हमारे पास में कैसे आता है। तो एक बार सिंगल और रो, ठीक है। तो सिंगल रो के अंदर डेटा आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो एक बार हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो हमारी टेबल बनी हुई थी, कोई भी टेबल थी जो हमारे पास में, ठीक है। अब उसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपके पास में, व्हाट वाज द टेबल नेम, द टेबल नेम वाज क्लास फर्स्ट, ऐसा नाम था, है ना। अब हमें इंसर्ट क्या करना है, हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी, बट टेबल का स्ट्रक्चर तो हमें याद ही नहीं है। तो इसमें चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि भाई टेबल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए। तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, द फर्स्ट रोल नंबर, तो आप रोल नंबर एंटर करेंगे। जैसे आपने एंटर किया यहाँ पर, रोल नंबर यहाँ पर, तो रोल नंबर एक है। अगले नंबर पर आपके पास में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है,
तो आप नेम कोट सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे। तो आपने एंटर किया मान लो सलोनी, ठीक है। अब आप करते हो यहाँ पर क्लास, क्लास मान लो वर्कर है तो आप डबल कोट में करेंगे, और मान लो आप क्लास डालते हो सेकंड फर्स्ट डालते हो क्योंकि फर्स्ट क्लास टेबल का नाम है ना। फिर आपके पास में मार्क्स यानी कि आपने एंटर कर दिया 30। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर पहले ईयर लिखना है, फिर उसके बाद में मंथ लिखना है, फिर उसके बाद में आपको डेट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 31 मार्च आपने लिख दिया कॉमा। अब आपको स्ट्रीम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट क्लास में कौन सी स्ट्रीम होती है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऐसे कर लेते हैं, यहाँ क्लास हम लोग 12th दे देते हैं, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट आर्ट्स हो गया हमारे पास में, और जेंडर लेट से कि मैं फीमेल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने अब इसमें हमने एक गलती छोड़ दी, गलती क्या छोड़ी, यहाँ पर डबल कोट है, डबल कोट है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, आप उसको भी डबल कोट्स के अंदर रखोगे, लाइक आपको इसको भी डबल कोट बनाना है, ठीक है, राइट। आपके इस पास में सिर्फ नंबर वाला जो है ना वही नहीं आएगा डबल कोट या सिंगल कोट में, बाकी आएगा सब कुछ, ठीक है। तो आपने कंट्रोल सी किया, अब यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो आपकी जितनी भी आपने यहाँ पर डेटा डाला था वो सारा का सारा आपके पास टेबल में आ गया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ है जो करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास फर्स्ट, तो एक आपके पास रो है जो इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे एक साथ अगर 5 या 6 रोज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आप इसी को कॉपी करिए, कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी कॉमा कंट्रोल वी कॉमा कंट्रोल वी, तो मैंने इसी को 5 बार यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा, अब आप यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिए, जैसे कि 2 रोल नंबर और कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर, रेखा, ठीक है। और 12th हो गया, उसके मार्क्स आए मान लो 39, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2001, और फटाफट से चेंज करते हैं। सो यस, ओहो अरे यहाँ पर गलती हो गई। गलती क्या हुआ बच्चा, आपने क्या किया, यहाँ पर चौथा महीना और 30 दे दिया, तो 30 तो तारीख, हाँ 31 अप्रैल होता है, नहीं होता ना। सो यस, दिस मिस्टेक यू हैव डन एंड नाउ इट्स फाइन टोटली। तो अब मैं इसको सेलेक्ट स्टार करूँगी, तो यू कैन सी हेयर एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपने एंटर कर दिए, सो दैट्स टोटली फाइन, हाँ कूल। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने सिंगल रो और मल्टीपल रोज को इंसर्ट किया। पास में अगला देखिए आता है कि इंसर्ट डेटा इनटू अ स्पेसिफिक कॉलम। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर ही डेटा है जो इंसर्ट करूँ, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, आई जस्ट वॉन्ट कि रोल नंबर नेम और स्ट्रीम ही है जो यहाँ पर हो, बाकी कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं एंटर करना चाहती हूँ स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर, सो हाउ टू डू दैट। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं कंट्रोल सी। मैम आप ये क्या कहना चाहती हूँ, एक सेकेंड बच्चा, वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं भूल जाऊँगी ना एट्रीब्यूट्स के नाम यहाँ पर क्या है, अब समझो, हाँ ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सो दीज आर अवर एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर सिंपल इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम CLASS क्लास फर्स्ट, और कॉलम कौन कौन से जिसके अंदर आप वैल्यू चाहते हो, रोल नंबर है, दूसरा इसके अंदर नेम है, तीसरा इसके अंदर स्ट्रीम है, ठीक है। और क्या इंसर्ट करना चाहते हो, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ लिखिए यहाँ पर 5 रोल नंबर और नेम है लेट सपोज पूजा, और स्ट्रीम है उसके अंदर पास में साइंस, ठीक है। और सेमी कॉलन देना भूलना नहीं है, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी। तो अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार करेंगे तो यू कैन सी हेयर जहाँ जहाँ आपने डेटा भरा है वहाँ वहाँ वो डेटा आया, अदर देन दैट आपके पास में नल वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है।
तो यस दैट्स कूल टोटली. अब चलिए आगे चलते हैं. ये तो हुआ कि कैसे आप लोग स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर वैल्यू डाल सकते हो. अब आपको यहाँ पर जो वैल्यू डालनी है वो आपको डायरेक्टली नल वैल्यू डालनी है. इसमें तो क्या था कि आपने स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर वैल्यू डाली तो आपके पास में बाकी ऊपर नल आ जाएगा. बट यहाँ पर जो आपके पास में नेक्स्ट है इसके अंदर आप नल खुद से डाल रहे हैं. ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ. इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपके पास में, ठीक है, और किसके अंदर इंसर्ट करना है टेबल का नाम और क्या इंसर्ट करनी है वैल्यूज़. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पांच पूजा और बाकी मेरे को क्लास का नाम यहाँ पर पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्पेसिफिकली नल रख सकती हूँ और मेरे को मार्क्स भी नहीं पता, तो स्पेसिफिकली आई कैन पुट देयर नल. एंड डेट ऑफ बर्थ भी है जो मुझे नहीं पता यहाँ पर, सो स्पेसिफिकली मैंने नल 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 नल. और जेंडर मैं यहाँ पर फीमेल है जो टाइप कर देती हूँ, फीमेल एफ. ठीक है, हमने डाल दिया. ठीक है, अब इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी. अब मैं सेलेक्ट करूँगी तो यस हमारे पास जहाँ जहाँ हमने नल पुट किया वहाँ वहाँ नल आ रहा. तो ऐसे आप डायरेक्टली स्पेसिफिकली नल वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हो. ठीक है, चलिए अब ये भी हमारे पास में हो गया. ठीक है, ओके, अब चलिए आगे वाला. आगे वाला कहता है इंसर्ट डेट और टाइम. तो ये तो हम लोग इंसर्ट खैर कर ही रहे हैं, डेट और टाइम तो ठीक है. सो इंसर्ट हमने कर दिया यहाँ पर डेट और टाइम. तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको सात कर लेते हैं और यहाँ पर पूनम और नेक्स्ट हमारे पास में बच्चा क्या आ रहा है, पूनम और क्लास. क्लास है उसका मान लो ट्वेल्थ बी कॉमा और उस 33 कॉमा और डेट ऑफ बर्थ आप डबल कोट का यूज़ करेंगे 2000 माइनस 3 माइनस 2. ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ईयर आएगा आपका पहले, फिर मंथ और फिर डेट. ठीक है, तो ऐसे आप दोगे यहाँ पर. अभी देखो मैंने 31 अप्रैल कर दिया था तो उस टाइम पर मुझे एरर आ गया था, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करेंगे. तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, सो हमने यस राइट. तो यहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ है जो हमने किया. ठीक है, तो आप डबल कोट्स यहाँ पर लगा देना और यहाँ पर भी यहाँ पर भी, मतलब आपके कोट्स किस में लगेंगे जिसमें आपका नंबर्स नहीं है, अदर देन दैट डेट टाइम जो भी आप लगाओगे उसमें आपको जो है डबल कोट्स देने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कैसे इंसर्ट कर दिया डेट. ठीक है, अब अगला हमारे पास में आ जाता है कि जब हमें सेलेक्ट सबको करना होता है तो ऑल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार लिखेंगे. बट जब हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है, लेट सपोज आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली रोल नंबर और कॉमा एंड मुझे जेंडर, तो यहाँ पर कोई आपका ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिक्वेंस से आपको चलना है. आप यहाँ पर जेंडर के बाद में स्ट्रीम भी कर सकते हो. ठीक है, तो स्पेस आपने दिया तो यस आपने ऑर्डर एक तरीके से चेंज कर दिया, तो अपनी मर्जी से भी आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पर दे सकते हो. इट डजेंट मीन कि आपको हमेशा यहाँ पर रोल नंबर ही देना पड़ेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर लास्ट में भी रोल नंबर लिख सकते हो. सो इन दिस वे यू आर चेंजिंग द सिक्वेंस ऑल्सो राइट. तो ऐसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार करके सबको कर दिया और स्पेसिफिक कॉलम्स को इस तरीके से आप कर दो. ठीक है राइट, सो सारे एट्रीब्यूट और स्पेसिफिक. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे. तो आई होप बच्चा आप लोगों को ये सीरीज़ है जो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है. अगर ऐसी बात है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो बाय बाय बच्चा.